निधि नाम बोल गया सॉरी मिस्टेक आइए कम ब्रो पीछे ले लो पीछे ले लो मैं बहुत खुश हूँ आज रंग रात्रि महोत्सव इस नवरात्रि में सब देखने वाले हैं यहाँ पे इन मुंबई बोरीवली में सो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बीइंग अ गुजराती जब गरबा की बारी आती है जब सुनती भी हूँ तो एक पैर ऑटोमेटिकली मेरे ना थिरकने शुरू हो जाते हैं नो जेन्युइनली आई एम सेइंग आज साड़ी पहनी थी तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाई बट हैड आई बीन इन अ कंफर्टेबल क्लोथिंग तो मैं ज़रूर करती बट नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ एंड आई कांट वेट कि कब नवरात्रि शुरू हो और मैं यहाँ पर मतलब रंग रात्रि में गरबा करने ऑस्कर आपकी फिल्म क्वालिफाई हुई है इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट मैं बहुत बहुत खुश हूँ ज़िबा इज़ अ वेरी डियर प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड जब हमने बनाया था हम जब शूट कर रहे थे वी डिडंट थिंक कि यहाँ तक पहुँचेगी सो ज़िबा इज़ वन ऑफ द टॉप 3 शॉर्ट फिल्म्स फ्रॉम इंडिया जो LA में स्क्रीनिंग होगी जिसकी एंड इट्स एलिजिबल फॉर ऑस्कर क्वालिफिकेशन सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड वेरी हैप्पी एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग जल्द से जल्द हमारी फिल्म को देखें बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड पीपल नीड टू नो अबाउट इट इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इट्स कॉल्ड FGM फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन हमने सुना बहुत कम लोगों ने सुना रहता है मैंने पहली बार सुना था व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सो या आई एम वेरी प्राउड ज़रूर हाँ ये ज़रूर पता था कि कहीं मतलब अप्रिसिएशन मिलेगी बिकॉज कहानी ऐसी है कॉन्सेप्ट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है मेरा मेन मोटिव करने का ये था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी आई रियली फेल्ट मतलब एक होता है ना कि आपको एक स्क्रिप्ट टच कर जाती है हार्ट टचिंग मोमेंट होता है सो आई वॉज वेरी मैं ऑनेस्टली मैं बैठ गई थी जस्ट टू थिंक कि इतनी गंदी चीज़ होती है इस दुनिया में नॉट जस्ट इन आर कंट्री बट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सो ये कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए दैट वाज माय मेन मोटिव टू डू दिस प्रोजेक्ट बट यहाँ तक पहुंची है मैं चाहती हूँ और आगे पहुंचे और या आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से किसी ना किसी वजह से जी आई थिंक सो एंड आई वुड लाइक टू बिलीव सो और भी बहुत काम करना है रंग रात्रि यस इट लुक्स वेरी ग्रैंड और पहला लॉन्च है तो आई थिंक दे विल गो ऑल आउट एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग और आगे तो कई सालों तक चलता रहेगा सो एंड सुनील राणे जी को आई हैव बीन यू नो फॉलोइंग एंड आई नो हिम कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट इन हिज ओन फील्ड तो ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इट्स लाइक रंगरात्रि के अंदर सब चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है फॉर योर सेफ्टी फॉर योर यू नो देयर इज अ सैलून फिर वहाँ पे डिजाइनर्स के वो भी होंगे सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड और किंजल वी ऑल हैव हर्ड शी इज ब्रिलियंट तो आई थिंक ये बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है So yes, all the wishes to them and lots of love. Do you think it's a good start post-COVID? Normal जिंदगी, normal सब कुछ होने जा रहा है. बहुत अच्छा हमको तो ये था कि गरबा बंद हो गए. मतलब जो गरबा lovers हैं, उनको तो ऐसा हो रहा था कि मैंने actual videos भी देखी थी COVID में कि अंदर घर पे वो करके गरबा खेल रहे हैं. Because that's the love for गरबा. And after COVID, this thing I think it's a very huge thing. And रंगरात्रि coming up with this big event
It's superb. Thank you. मैं भी बाकी सब लोगों की तरह बहुत एक्साइटेड हूँ रंगरात्रि को लेके. जैसा कि मैंने अंदर बताया, मैंने कभी भी गरबा नहीं खेला है. मैं हिमाचल से हूँ, हमारे गरबा नहीं होता है. और ऑफकोर्स नवरात्रि तो पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, पूरे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बट गरबा नहीं होता है. तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गरबा देखूँगी, खेलूँगी, गुजराती फोक सॉन्ग सुनूंगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अथर्वा फाउंडेशन हमेशा बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आता है, बहुत ही हर चीज़ को बहुत धूमधाम से मनाता है. तो इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और इनके फेस्टिवल्स, इनके इवेंट्स देखने लायक होते हैं. तो आई एम श्योर ये भी बहुत ग्रैंड होने वाला है. थैंक यू सो मच.